यस चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्लड रिलेशंस, खून का रिश्ता। द टॉपिक इज ब्लड रिलेशंस। क्वेश्चंस बहुत सिंपल भी आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस को ये लोग घुमा के भी दे सकते हैं। तो ब्लड रिलेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन गिवन इन जंबल्ड फॉर्म, एंड किसका किससे क्या रिश्ता है वो मैटर करता है। मैं आपका टीचर हूं, आप मेरे स्टूडेंट हो। हाउ इज विवेक पटवारी रिलेटेड टू यू? विवेक पटवारी इज रिलेटेड टू यू एज अ टीचर। हाउ यू आर रिलेटेड टू विवेक पटवारी? आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, तो बहुत मैटर करता है, मतलब कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसके बीच का रिश्ता। ठीक है, अ पर्सन हु इज रिलेटेड टू अनदर बाय बर्थ रादर देन बाय मैरिज। A person who is related to birth rather than by marriage. सबसे पहला है paternal side. Paternal side मतलब पापा का side, और maternal मतलब मम्मी का side. Paternal मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो। Paternal मतलब किसका side? पैटर्नल मतलब किसका साइड, जल्दी बोलो। पैटर्नल मतलब किसका साइड? पापा का साइड। और मैटर्नल मतलब मम्मी का साइड। तो पापा का पापा दादाजी, पापा का मम्मी दादी, पापा का भाई चाचा ताऊ, इसका मतलब हो गया चाचा ताऊ। ये बुआ, कजिन, मेरा अपना भाई बहन सिबलिंग्स होता है। मेरा अपना भाई बहन को सिबलिंग्स बोला जाता है। प्लीज नोट ऑल दिस इंपॉर्टेंट फैक्टर। मेरा अपना भाई बहन को वी कॉल सिबलिंग्स, और चाचा बुआ का बेटा को, ताऊ का बेटा को वी कॉल कजिन। वाइफ ऑफ अंकल चाची ताई, ये फूफा, चाची ताई और फूफा। तो पापा के साइड से क्या क्या रिश्ता है? पापा के साइड से है दादा दादी का रिश्ता, चाचा ताऊ का रिश्ता, भुआ, कजिन, चाची ताई, फूफा जी, ये सारे रिश्ते पापा के साइड से है। ठीक है, और मेरा जो अपना भाई बहन होगा उसको वी कॉल सिबलिंग्स, उसको वी कॉल सिबलिंग्स, उसको वी कॉल सिबलिंग्स। ये नाना जी हो गए, ये नानी माँ हो गई, ये मामा हो गया, और ये मौसी। नाना नानी मामा मौसी, और ये हो गया मामी। मामाबाड़ी के सभी बच्चे मेरे कजिन हैं। मामाबाड़ी के सभी बच्चे मेरे कौन लगते हैं? मेरे कजिन लगते हैं। ठीक है, अब ग्रैंडफादर का बेटा मतलब मेरा पापा या चाचा। ग्रैंड मदर का बेटा मतलब सेम। ग्रैंडफादर्स ओनली सन मतलब मेरा पापा। ग्रैंड मदर्स ओनली सन मतलब मेरा पापा। मदर्स और फादर्स मदर मतलब, मदर्स और फादर्स मदर, ग्रैंड मदर या तो दादी या तो नानी। सन्स वाइफ, डॉटर इन लॉ, बहू। डॉटर्स हस्बैंड, क्या बोला जाएगा, जवाई ना। हस्बैंड और वाइफ, सिस्टर, सिस्टर इन लॉ। ब्रदर्स सन नेफ्यू, भतीजा भतीजी, भतीजा भतीजी। अंकल और अंत, सन और डॉटर, भाई बहन, कजिन। सिस्टर हस्बैंड, जीजा जी। ब्रदर्स वाइफ, भाभी।
ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर्स डॉटर, मतलब पीढ़ी कैसे जा रहा है, फादर ग्रैंड फादर ग्रेट ग्रैंड फादर, डॉटर ग्रैंड डॉटर ग्रेट ग्रैंड डॉटर, बस ये तीन पीढ़ी है, 1 2 3, ऊपर में भी तीन नीचे में भी तीन बीच में मैं। तो देखो सीढ़ी कैसे बन रहा है, सीढ़ी बन रहा है ऐसे, ये मैं हूं विवेक, फादर ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर, और उसके नीचे सन ग्रैंडसन ग्रेट ग्रैंडसन। तो मैं न्यूट्रल हूं, जीरो पे हूं, ये प्लस वन ये प्लस टू ये प्लस थ्री, ठीक है, और ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, इनको बोला जाता है लीनियल असेंडेंट और इनको बोला जाता है लीनियल डिसेंडेंट। तो ये चीज क्लियर है, असेंडेंट किसको बोलते हैं, डिसेंडेंट किसको बोलते हैं, यस और नो? हाँ क्लियर है आप सभी को, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। द एफिशिएंसी इन डूइंग द प्रॉब्लम्स ऑफ ब्लड रिलेशन डिपेंड्स अपॉन द नॉलेज ऑफ द ब्लड रिलेशन। माय मदर्स और फादर्स सन इज माय ब्रदर, ऑब्वियस बात है, मेरा पापा या मेरा मम्मी का बेटा तो मेरा भाई हुआ ना। अगर बोलता माय मदर्स और फादर्स डॉटर तो मेरी बहन होती, माय मदर्स और फादर्स फादर मेरा दादाजी होता, माय मदर और फादर्स सिस्टर मेरी बुआ होती या मौसी होती, माय मदर और फादर्स ब्रदर अंकल मतलब मामा या चाचा, बेटे की वाइफ बहू बेटी का हस्बैंड जीजा जी, भाई का बेटा भतीजा भाई की बेटी भतीजी, बहन का पति जीजा जी, भाई का भाई की पत्नी भाभी, माय हस्बैंड और वाइफ सिस्टर इज माय सिस्टर इन लॉ, माय हस्बैंड और वाइफ ब्रदर इज ब्रदर इन लॉ, देवर जिसको हम लोग बोलते हैं देवर और ननद। अगर मेरे लड़की के साइड से अगर इफ आई वुड हैव बीन फीमेल तो मेरा हस्बैंड के साइड में उसके भाई बहन को हम लोग देवर और ननद के रिश्ते से जानते हैं, और मेरी वाइफ के साइड से अगर मैं देखूं तो साला और साली, हम लोग जो टर्म यूज करते हैं इन डे टू डे पार्लर्स में आपको उससे समझा रहा हूं। इन लॉज हमेशा मतलब होता है वाइफ का साइड, इफ आई एम सेइंग इन लॉ मतलब वो मेरे वाइफ के साइड हुआ या मेरे घर पे कोई दूसरे घर से आया है, जैसे भाभी सिस्टर इन लॉ, ठीक है, जीजा जी ब्रदर इन लॉ, ठीक है। तो ये सारा चीज फैक्टर है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, ए इज बी डॉटर बी इज सी इज मदर, तो ऐसे नहीं होगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा और मेल या फीमेल किसी में आपको स्टार मार्क करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर मेल में कोई मार्क नहीं रहेगा, कोई भी साइन नहीं रहेगा, जहां भी फीमेल होगा वहां हम लोग स्टार मार्क करेंगे। हम लोग क्या मार्क करेंगे, वहां पर स्टार मार्क करेंगे। तो ए इज बीज डॉटर, तो बी से ए का जन्म हुआ है, तो मैंने सही बनाया, ए इज बीज डॉटर। अब बी इज सीज मदर,
सी की मां है बी, तो बी भी फीमेल हो गया। अब इसके साथ में यहां पर मैं सी भी बनाऊंगा, डी इज सीज ब्रदर, अब मैं डी भी बनाऊंगा, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो डी क्या हुआ, अगर सी का भाई है तो ए का भी तो भाई हुआ, क्योंकि ये सिबलिंग सिबलिंग्स हो गया, ये तीनों क्या हो गया, सिबलिंग्स हो गया। यहां पर सिर्फ एक इंसान का जेंडर पता नहीं है, वो सी का, तो लिख लो ये सब लिखा जाता है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन का डेटा पढ़ के सी का जेंडर पता नहीं चल रहा है, डी का तो पता चल गया ये मेल है, ए तो बोल ही दिया था फीमेल है, इस स्टेटमेंट से ये भी पता चल गया बी इज फीमेल, लेकिन सी का जेंडर नहीं पता चला है। तुमको अगर ये पूछता हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, तो ब्रदर ऑब्लिक सिस्टर होता, कुछ भी हो सकता था। तो क्वेश्चन नंबर वन में सिखाने वाला चीज क्या था मेरे को, कि सी का जेंडर नहीं पता है, सी का जेंडर नहीं पता है, सी का जेंडर नहीं पता है। नेक्स्ट, पी इज क्यूज ब्रदर, तो पी का जेंडर पता चल गया, पी क्यू के साथ में है। आर इज क्यूज मदर, तो आर यहां पर एस्ट्रिक मार्क हो जाएगा, अगर क्यू की मां है तो पी की भी मां होगी। एस इज आर्स फादर, तो इसके ऊपर एस आ गया, और टी इज एस मदर, इसके ऊपर टी आ गया। अब क्या पूछ रहा है, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, तो देखो एक सेकेंड रुको, पी का मेल है मां, दादाजी, ग्रेट ग्रैंड सन, तो आंसर हो जाएगा ग्रेट ग्रैंड सन, पी इज द ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ टी। हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, मतलब पी टी का क्या लगा, ये लिखो, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी का मतलब, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी का मतलब, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी का मतलब, पी टी का क्या लगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर टू का डायग्राम भी हम लोग ने सक्सेसफुली बना लिया है, हर क्वेश्चन का डायग्राम बनाना है। चलो, ए इज बीज ब्रदर, तो ए यहां पर इसके बगल में बी, सी इज डीज फादर, तभी सी और डी तो यहां आया नहीं है, ई इज बीज मदर, बी की मां ई हुई, ठीक है, ए एंड डी आर ब्रदर्स, तो यहां पर मैं डी भी ले ले रहा हूं, अब सी डी का फादर हो गया, तो ये लोग दोनों का रिश्ता है। इस साइन का मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब पति पत्नी, इस साइन का मतलब पति पत्नी। How is E related to C? E का क्या रिश्ता है, वाइफ का, E का रिश्ता वाइफ का है,
बस खाली सम पढ़ करके हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सम पढ़ के अब हम लोग इंटरप्रिटेशन करेंगे। ए का जेंडर नहीं पता है हम लोग को, ये तो बोल दिया भाई है, ये भी भाई है, इसमें ए का जेंडर नहीं पता है। जो भी सम में दिया है ए का जेंडर नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि ये तो हस्बैंड हो गया और ये तो स्टार है, मतलब वाइफ हो ही गई। सर बी का जेंडर नहीं पता, ए का तो लिखा हुआ है, मतलब ए और डी का। सॉरी सॉरी सॉरी, बी का नहीं पता हम लोगों को, वेरी सॉरी, क्योंकि ए एंड डी आर भाई बोल दिया ना, तो वही एक ही चीज हो गया, मतलब जो चीज मैंने ए के लिए बोला वो चीज बी के लिए मान लो। बी का जेंडर नहीं पता, ये लोग तो भाई लिखा हुआ ही है, इसका जेंडर नहीं पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो ए एरो बी बनाएंगे, यहां पर ए को स्टार कर देंगे। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, तो बी भाई हो गया। सी इज द सन ऑफ डी, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, नेफ्यू, सन है ना, भाई का बेटा तो नेफ्यू हो गया, जो भी है, इसका जेंडर नहीं पता ना हम लोग को। सर डी तो सी का फादर हुआ ना, सी इज द सन ऑफ डी, सी इज द सन ऑफ डी, तो ऊपर बनाना था मेरे को, एक सेकेंड, तो ये हो गया। हाँ तो हाउ इज फादर हो गया, आंसर होगा फादर, बट फादर तो है नहीं, तो मदर होगा, सॉरी मदर, क्योंकि यहां पे डी का जेंडर नोन नहीं है, इसीलिए मार्क करवा रहे थे तुम लोग को। जरूरी नहीं ऑप्शन में ब्रदर सिस्टर दोनों देगा, ब्रदर या सिस्टर दोनों देगा तो बोथ द अबव, एनी वन ऑफ द अबव कैन बी द आंसर, आइदर ए और बी, और सिर्फ मदर दिया फादर नहीं दिया तो वी विल अज्यूम इट टू बी मदर ना, क्योंकि डी का जेंडर तो पता नहीं है, डी का जेंडर तो पता नहीं है। चलो इस बार एक बार में बनाना है, गलती नहीं होना चाहिए। बी इज द ब्रदर ऑफ ए, ठीक है, हुज ओनली सिस्टर, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी। अगर बी ए का भाई है, हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, डी इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहां पर बी इज द ब्रदर ऑफ ए बोला है, हुज ओनली सिस्टर, मतलब अगर बी भाई है तो ए यहां पर बहन हो गई, ए की जो बच्चे का नाम है वो सी है, हुज ओनली सिस्टर इज द मदर ऑफ सी, तो बी का ओनली सिस्टर तो ए ही हुआ, ठीक है। डी इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, मतलब सी की नानी, सी की नानी डी हो गई, मतलब मम्मी, ठीक है, ये ऐसे आएगा। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो डॉटर, नेक्स्ट, ए एंड बी सिस्टर्स हो गया,
आरएनएस ब्रदर्स हो गया, ए की बेटी आर की बहन है, एज डॉटर इज आर्स सिस्टर, तो ये लोग अगर भाई है, इसकी एक डॉटर क्रिएट कर देंगे हम लोग, ये तीनों सिबलिंग्स हो गया ना, तो बी इज रिलेशन टू एस, बी का रिश्ता एस के साथ में, बहन का बेटा मतलब मौसी हो गया ना, मौसी वाला रिश्ता हो गया। हाँ, आर एस ए का बेटी है, ए का बेटा है, हाँ तो बी का रिलेशन पूछा ना एस से, तो आंटी तो हुआ मौसी, मौसी यहां लिख लेना मौसी, यहां लिख लेना मौसी, लिखेगा नहीं तो फिर याद नहीं रहेगा। E is the sister of B, तो E का तो जेंडर बता दिया। A is the father of C, कुछ करने का नहीं हम लोग को भी। B is the son of C, B is the son of C, तो B मतलब मेल हो गया। A is the father of C, A भी मेल हो गया। How is A related to E? Grandfather. एक स्टेप जाएगा तो फादर मदर, दो स्टेप जाएगा तो ग्रैंड, तीन स्टेप जाएगा तो ग्रेट ग्रैंड। ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया। अब जिसको तुम लोग बॉक्स करेगा, इसका मतलब उसका जेंडर तुम लोग को नहीं पता है। तो इस सब में किसका जेंडर नहीं पता है। ए इज द फादर बोल ही दिया है, बी इज द सन, इसका जेंडर नहीं पता है। आठ नंबर, ए इज द मदर ऑफ बी, सी इज द सन ऑफ ए, D is the brother of E, E is the daughter of B. तो यहां पर सबका ही मेरे को वो पता है, who is the grandmother of D, mother grandmother A. ये इसका सन हो गया। बिना डायग्राम के जो भी इस सम को करेगा उसका आंसर गलत आएगा ही आएगा। बिना डायग्राम के अपने को सम नहीं करना है।
चलिए करिए 9 नंबर. ए इज डीज ब्रदर, ठीक है. डी इज बीज फादर. ये तो पता चल गया दोनों भाई भाई है. बी एंड सी आर सिस्टर्स. हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, भाई की बेटी. अंकल हुआ चलिए नेक्स्ट. ए इज बी सिस्टर, सी इज बीज मदर, डी इज सीज फादर, ई इज डीज मदर. Then how A is related to D? Son, a daughter, granddaughter. Granddaughter. How is A related to E? Great granddaughter. How is A related to E? Great granddaughter, great grand daughter. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, तो एफ इज द ब्रदर ऑफ ए. सी इज द डॉटर ऑफ ए. के इज द सिस्टर ऑफ एफ. जी इज द ब्रदर ऑफ सी. तो यहां पर मेरे को किसका रिलेशनशिप क्लियर नहीं है? ए का क्लियर नहीं है, मतलब ए का जेंडर क्लियर नहीं है मेरे को यहां पर. हु इज द अंकल ऑफ जी? तो एफ ही बचा ना. वो ये तो उसके पापा या मम्मी हो गए, ये तो उसकी आंट हो गई. तो अंकल ऑफ जी कौन हुआ? एफ. A is father of C. A is father of C. And D is son of B. A is father of C and D is son of B. E is the brother of A. If C is sister of D. A is father of C बना दिया हम लोग. E is brother of A बना दिया हम लोग. If C is sister of D, एक सेकेंड. If C is sister of D and D is the son of B, इसका मतलब ये लोग का शादी हुआ एक दूसरे के साथ में. ये मम्मी हो गई है,
क्योंकि ए तो फादर है सी का, तो ये इसकी वाइफ ही हुई ना, देन हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी मतलब हो गई भाभी है ना, सिस्टर इन लॉ, क्योंकि भाई की बीवी भाभी, सी इज द वाइफ ऑफ बी, सिंपल सा बात बोल दिया भाई, सी और बी का शादी हुआ है, इन दोनों के बच्चे भी है जिसका नाम है ई, ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ डी, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ई टू डी, कजिन, भाई का बेटा क्या होता है, कजिन, क्लियर, आई होप आप सब डायग्राम बना रहे हैं, यस और नो, यस सर, चलिए, एम इज द सन ऑफ पी, पी उसके नीचे एम, क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, हु इज द हस्बैंड ऑफ पी, हस्बैंड ऑफ पी, हस्बैंड ऑफ पी, ओ इसकी ग्रैंड डॉटर मतलब इसकी बेटी, क्यू हस्बैंड ऑफ पी मतलब ये मेल हो गया, फीमेल हो गई, ये मेल हो गया, हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, सन हो गया ना, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, आर इज द फादर ऑफ वाई, एस इज द ब्रदर ऑफ टी, एस इज द ब्रदर ऑफ टी एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, एक्स का मैटरनल अंकल मतलब मामा, एक्स का मैटरनल अंकल मतलब मामा, तो ये मेरा, तो इसका बोलने का मतलब क्या है, ये जो टी है ये आर की वाइफ हो गई, व्हाट इज टी टू आर, वाइफ, बोलिए, क्लियर है यहां तक, यस सर, कितना समय, ज्यादा नहीं है, 55 ही आज हो जाएगा, चलिए बनाइए, मेरे को डायग्राम चाहिए, मेरे को और किसी चीज से मतलब नहीं है, मेरे को डायग्राम से मतलब है, मैंने सॉल्यूशन भेज दिया है ग्रुप में,
इसको कंप्लीट करना है हम लोग को आज ब्लड रिलेशंस को. और जो भी डाउट होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है. चलिए अभी कंप्लीट करिए आप लोग इसको.